हमारा नॉर्थ साउथ ब्लॉक है प्रेसिडेंट हाउस का, और उस नीचे देख 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, और तब पता चलेगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? किसी भी आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो अभी सोकर उठा हूँ, जस्ट अभी मैं यहाँ पर लेट आता और रात को बहुत कुछ काम किया था, वो आपको बताता हूँ। तो ये वाला रूम रेडी किया है, ये देख सकते हो। कल रात को पूरी सफाई की थी इधर, रात को 11-12 बजे के करीब। अभी बिल्कुल अपना रूम जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो पहले से रह रहे थे हमारे साथ 2-3 भाई लोग, वो और कहीं शिफ्ट हो गए हैं। उस वक्त जो मैं हूँ, मैं यहाँ पर अकेला रह गया। अभी और जो लोग हैं अपने साथी, वो आएंगे कुछ टाइम बाद। तब तक मैंने ये वाला रूम रेडी किया है, ये देख सकते हो। इधर भारत का संविधान लगाया है, ये वर्ल्ड मैप लगाया है, ये इंडिया का मैप लगाया है, ये भारत का जो प्रियम्बल है वो लगाया है, भारत का संविधान, संविधान का जो प्रियम्बल है वो लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ये अपनी टेबल है, फैन है, ऐसा कुछ ये रूम है। तो साथ ही रूम काफ़ी अच्छे से रात को पूरा काम किया था, बहुत गंदा हो चुका था। अंदर देख सकते हो, इधर अपने कपड़े वगैरह, यहाँ पे सभी बुक्स रख लिए हैं। मैं क्या सोच रहा था, एक बुक रखने के लिए एक टेबल और ले आता हूँ, तो वो यहाँ पर रख लेंगे साइड में, तो काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन अभी बुक्स उसमें मैंने रख दी हैं। तो दोस्तों ये कुछ सीन था, अभी सोकर उठे हैं। देख सकते हो भाई किचन की हालत क्या है, ये पूरा वो गंदा पड़ा है, इसको आज हमें साफ़ करना पड़ेगा। इसको आज साफ कर लेंगे किचन को, क्योंकि कल रात को ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए किचन को साफ जो है वो नहीं कर पाया था। जो अपना बाहर वाला रूम था इसको भी लगभग अच्छे से साफ कर ही दिया था, इसको अच्छे से साफ कर दिया था। ये सब गंदे कपड़े पड़े हैं, ये अपना कूलर रखा है, यहाँ पर लेटे थे, इसको भी अच्छे से साफ कर दिया। अभी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, अपना जो फ्लैट है बिल्कुल चमक चुका है। दोस्तों जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो 52-53 के करीब चला गया था, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो अपना फ्लैट है वो टॉप फ्लोर पर है, तो काफ़ी यार प्रॉब्लम होती है। लेकिन कल रात को यहाँ पर थोड़ी सी दिल्ली में बारिश हो गई थी और हवा तेज़ तेज़ चली थी, तो जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गिरा है, और 33 टेम्परेचर अभी लगभग पहुँच चुका है। ये देख सकते हो ये अपनी छत है, ये कुछ पौधे लगा रखे हैं छोटे छोटे, ये कुछ ऐसा सीन है। ये एक अपना बड़ा पौधा है और ये हमारा पूरा कॉलोनी है। ऐसा भाई कोई इधर का सीन है जहाँ पर मैं रहता हूँ। ब्रेकफास्ट है अपना आज का, चाय और ये है अपने गोभी के पराठे। तो भाइयों सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और हमारा 4 तारीख को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो हिस्ट्री की अभी तैयारी करनी है अच्छे से, और क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और तैयारी जो है वो एंड टाइम पर कर रहा हूँ मैं। साथी लगभग पिछले 2 घंटे से तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की, और अभी थोड़ी सी भूख लगाई है तो कुछ बना लेते हैं अपने क्षेत्रीय अंदाज में। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरे यहाँ पर एक चीज़ मतलब खाई जाती है मेरे उस एरिया में, जिसे हम लोग पूरब साइड बोलते हैं ना, यूपी में जैसे बोलते हैं पूरब एरिया, तो उसमें हम एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं सतुआ, सत्तू बोलते होंगे बहुत जगह सतुआ बोलते हैं। तो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा सतुआ होता है जिसमें जो अपने चने होते हैं उसका आटा होता है, जौ होते हैं उसका आटा होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर ये आटा बनाया जाता है। तो उसके बाद इसमें डालते हैं हम लोग
चीनी, चीनी डालने के बाद इसमें हम लोग डाल देते हैं जो ठंडा पानी होता है वो, मतलब पानी इतना डालना है कि ये पतला हो जाए अच्छे से। और पानी डालने के बाद इसको ऐसे चलाना है बिल्कुल ही, जो इसको पानी में अच्छे से मिला देना है। ये जो होता है वो हमारे यहाँ पर लोकल में, हमारे यूपी में इस चीज़ को खाते हैं, इसको हम सत्तू बोलते हैं। और हमारे जो पुराने टाइम में जो हमारे बाबा दादा वगैरह होते थे वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। अब काफ़ी कम हो गया है लेकिन फिर भी अभी भी चलता है। वो लोग कहते थे कि इस चीज़ को खाने के बाद इसको अच्छे से भर के, कटोरा भर के पी लो, उसके बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी, काफ़ी हेल्दी होता है ये। क्योंकि ये चने का, जौ वगैरह, ये जो होते हैं अपने जो अनाज होते हैं तरह तरह के, उन सभी को मिलाकर इसका आटा बनाया जाता है, तो काफ़ी ये हेल्दी होता है। इसको ऐसे मिला लो और पी लो। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जो टेम्परेचर है कल रात को ठीक हो गया था क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई थी, जो टेम्परेचर था वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। साथियों मैं अभी पढ़ रहा हूँ जो अपने गुप्तकाल था, गुप्तकाल में जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी कुछ मतलब डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो गुप्तकाल था उस टाइम पर जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, और चार वर्ण होते थे उस टाइम पर। सबसे ऊपर आता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे आते थे शूद्र, और जो शूद्र थे उनका काम होता था व्यापार करना और कृषि करना। और जो ब्राह्मण होते थे उनका काम उच्च कोटि का काम होता था, और जो ग्रंथ वगैरह होते हैं पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें ब्राह्मण करते थे। और जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो युद्ध वगैरह अपने जो एरिया उसकी रक्षा करना ये सारी चीज़ें करा करते थे। और जो वैश्य हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं कि जो वैश्य लोग थे वो व्यापार करते थे। उस टाइम पर क्या था, जो शूद्र लोग थे वो जो शहर होता था एक शहर से बाहर रहा करते थे शूद्र, ठीक है। और जब वो उस शहर के अंदर एंट्री करते थे तो लकड़ी बजाते हुए निकलते थे, क्योंकि जो अंदर लोग जो अपर कास्ट के जो ऊपर के जो वर्ड हैं जैसे कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो उन लोगों को पता चल सके कि शूद्र अब एंट्री कर रहे हैं, तो वो रास्ता साफ मतलब रास्ते से हट जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थीं। और उस टाइम पर जो गुप्तकाल का टाइम था उस टाइम पर जो कमरे हुआ करते थे, तो इनका भी एक क्रम था। ब्राह्मणों के घर में 5 कमरे हुआ करते थे, और 4 कमरे क्षत्रिय के यहाँ पर होते थे, 3 कमरे वैश्य और 2 कमरे शूद्रों का यहाँ पर होते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थीं, जो शूद्र थे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इतिहास से पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये है चैनल है ये एक स्टडी चैनल है, क्योंकि मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। तो ये हमारा स्टडी से रिलेटेड चैनल है, तो जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो मैं पढ़ता हूँ तो वो भी इस चैनल पर हम लोग शेयर किया करेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको बताया, और तैयारी चल रही है, 4 तारीख के लिए रेडी हो रहे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग अभी आए थे विजय चौक, और जो कि देश की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और हमारे जो पीछे आप देख सकते हो उधर साइड में, जो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा है, उधर हमारा नॉर्थ साउथ ब्लॉक है प्रेसिडेंट हाउस का, और उसी के थोड़ा सा बगल में हमारा जो पार्लियामेंट है वो है। नीचे देख, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, और तब पता चलेगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा और राष्ट्रहित में राष्ट्र के लिए काम कौन करेगा। तो जो आज हम लोग आए थे तो यहाँ पर जो चुनाव से रिलेटेड बात हुई थी, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बचा है और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। धन्यवाद।
चौक पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये टॉयलेट बना हुआ है। ये हमारे विजय चौक पर टनल के नीचे यहाँ पर ये टॉयलेट बना है। बता रहा सर। टॉयलेट वही बाथरूम और इसके ऊपर पानी है पूरे पे है ना, और नीचे ये बनाया है बाथरूम। कितना अच्छा बनाया है भाई, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। जन सुविधाएं भाई, गाड़ी भी आ गई है, भैया जी रेडी है। भैया काफ़ी गर्मी पड़ रही है, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है भाई। आप लोग चलते हैं, हम लोग अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। लोग हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमारे भाई प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और हमारा एक भाई इलाहाबाद से है, वो सॉरी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो ये कुछ सीन था, ऐसे हम लोग घूमते रहते हैं और जो हमारे न्यूज़ चैनल जो होते हैं उनकी डिबेट होती रहती हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाते रहते हैं और हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। 4 तारीख को सभी को इंतज़ार है, जो हमारे पूरे देश के जितने भी देशवासी हैं सभी को इंतज़ार है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। मैं सही कह रहा हूँ ना भाई? बिल्कुल ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि 4 तारीख को हमारे देश को प्रधानमंत्री के रूप में कोई एक चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा, जो आएंगे और इस देश के लिए राष्ट्रहित में काम करेंगे, देश के लोगों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, शोषितों के लिए काम करेंगे और जो वंचितों के लिए काम करेंगे, सभी के लिए काम करेंगे। तो ऐसा कुछ हमारा आज दिन रहा है और अभी हम लोग सब निकल रहे हैं, 9 बज गए हैं लगभग, अभी सीधा घर पर जाना है। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड, ठीक है भाई? तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए, और भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।